नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप साकुशल होंगे और आगे आने वाला ज़िंदगी भी आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। मैं ऐसी कामना करता हूं। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने CDP का चर्चा किया था। CDP देखिए दोस्तों, मैं ऑनलाइन वीडियो में वही कंटेंट डाल रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला क्लास में मेरे यहाँ से 100 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता हासिल किया है। तो विद्यार्थियों के डिमांड को देखते हुए दोस्तों, मैं इस सेशन में जो मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ उसका प्रतिदिन एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैं डालते जा रहा हूँ। तो यदि आप बहुत दूर के अभ्यर्थी हैं, जैसा कि मुझे कॉल आ रहा है अररिया से, जमुई से, नवादा से, शेखपुरा से, बाढ़ से, लखीसराय, तो बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ आने में सक्षम नहीं हैं, तो उनका डिमांड है कि आप ऑनलाइन क्लास लीजिए। तो मेरे पास दोस्तों उतना पर्याप्त संसाधन और समय नहीं है ताकि मैं ऑनलाइन क्लास को सुचारू रूप से चला सकूं। लेकिन जो मैंने सफलता हासिल करवाया है विद्यार्थियों के बीच, 100 से अधिक, एक ही फैमिली के 4-4 सदस्य मेरे यहाँ से पढ़कर पास किए हैं, तो उनके भी बहुत सारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जमुई में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं और CTET पास करना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों और आप सभी ऑडियंस के लिए मैं एक इस बार सुविधा प्रदान करने जा रहा हूँ। जो भी मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊँगा उसका ही एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में आपको डेली डालते जाऊँगा। तो मैं पढ़ाया क्या और मेरा नोट्स क्या है उसका भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करें, आपको नोट्स और जो भी मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, बोर्ड पर जो भी पढ़ाता हूँ उसका फ़ोटो हम आपको ग्रुप में भेज दिया करते हैं, तो आपको भी ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा ऑनलाइन वाले में। तो जो भी हमने पढ़ाया उसका लिखित मिल जाएगा और उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं मुद्दा पर आता हूँ। पिछला वीडियो में हमने देखा CDP क्या है, 2 मिनट में उसका चर्चा कर देता हूँ। सी से दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट और पी से पेडागोजी। देखिए दोस्तों, अभी मैं कोई विषय या कह सकते हैं कोई चैप्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का एक अलग अंदाज है। मैं सभी चैप्टर को समग्र रूप से, एकीकृत रूप से 5 से 7 दिनों में पढ़ा देता हूँ। यानी आप 7 से 10 लेक्चर में आप पूरे सिलेबस का निचोड़ समझ जाएंगे, उसका बेसिक फंडामेंटल समझ जाएंगे कि क्या है CDP। उसके बाद दोस्तों हम चैप्टर शुरू करते हैं। यदि मैं स्टार्टिंग में ही चैप्टर शुरू कर दूं तो विद्यार्थियों को बहुत कम समझ में आता है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ाई से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन साबित होगा। नए लड़कों के लिए आसान हो जाता है लेकिन उनके लिए थोड़ा कठिन है। और एक अच्छा शिक्षक वही है दोस्तों जो कठिन, जिस बच्चों को यह बात समझ में नहीं आए या कठिनाई महसूस हो, यदि शिक्षक उसे समझा देता है तो वही बेस्ट टीचर है। और बाकी यंगस्टर या जो नए लड़के हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको तो सब समझा देते हैं। तो मेरा अंतिम लक्ष्य रहता है दोस्तों कि जो पढ़ाई से दूर हो चुके हैं उनको अपनी बात को समझाना, डैट मीन्स उनको CDP समझाना। तो ये मेरा अलग अंदाज है। तो हम सबसे पहले CDP का चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। सी से चाइल्ड, डी से डेवलपमेंट और पी से पेडागोजी। देखिए पेडागोजी क्या है, पेडागोजी हाउ टू टीच है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कम शब्दों में इसका चर्चा करूंगा। हाउ टू टीच इज कॉल्ड पेडागोजी, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए यही पेडागोजी है। सी से चाइल्ड हुआ दोस्तों, चाइल्ड मतलब बालक। बालक क्या है, तो पूर्व जो धारणा था बालक कोरा कागज है, सादा कागज है, खाली स्लेट है, गीली मिट्टी का घरौंदा है, जैसे चाहे उसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि बालक क्या है, बल्कि बालक बालक नकलची होता है और जिज्ञासु होता है। अब हम दोस्तों विकास को देखते हैं। तो विकास का जो पूर्व धारणा था, विकास का सिर्फ शैक्षिक पक्ष से, परंतु अब शैक्षिक पक्ष के अलावे मनोवैज्ञानिक ने बताया कि सहशैक्षिक पक्ष का भी शामिल होना जरूरी है। सहशैक्षिक पक्ष का मतलब आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम, जैसे खेलना, कूदना, गायन, वाचन, भाषण, मंचन, लेखन इत्यादि।
तो शैक्षिक और सहशैक्षिक पहलू को जब मिला लिया जाए तब हम सर्वांगीण विकास का चर्चा करते हैं। यानी सर्वांगीण विकास का मतलब शैक्षिक पक्ष और सहशैक्षिक पक्ष दोनों से है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दोस्तों एग्जाम में। तो विकास एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी नहीं बल्कि बहुआयामी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विकास क्या है? तो बहुआयामी है। यानी विकास के बहुत भेद होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास इत्यादि। तो दोस्तों पहला चीज़ हमने देखा विकास बहुआयामी है, और दूसरा क्या देखा? सर्वांगीण विकास का चर्चा। तीसरा दोस्तों अब हम देखेंगे विकास क्या है, तो परिमाणात्मक है। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, गुणात्मक, व्यवहारात्मक। तो दोस्तों पीछे से आप बोलिए, परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, गुणात्मक, व्यवहारात्मक। तो देखिए दोस्तों, विकास का यदि एक आयाम शारीरिक विकास का चर्चा किया जाए तो उसका एक परिमाण होता है जिसे हम मात्रा या संख्या में नाप सकते हैं। परंतु जब भाषाई विकास और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास इत्यादि का चर्चा किया जाए तो उसे उसका कोई मानक नहीं होता है, उसे हम माप नहीं सकते हैं। तो उसे हम किस आधार पर सापेक्षिक रूप से मापते हैं दोस्तों? तो उसे हम मापते हैं गुण के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। इसीलिए विकास दोस्तों गुणात्मक भी होता है। अब एक पढ़े लिखे लोगों से समाज यह अपेक्षा रखती है कि आप बिना पढ़े लिखे लोगों से, यानी अनपढ़ लोगों के अपेक्षा आप ज़्यादा व्यवहारिक व्यक्ति हो। यदि ऐसा नहीं है तो लोग कहेंगे कि तुम बेकार पढ़ लिख लिया है, उससे अच्छा तो था कि अनपढ़ रहता, है ना? तो व्यवहारिक पक्ष का भी होना जरूरी है। इसलिए विकास दोस्तों परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, गुणात्मक और व्यवहारात्मक भी होता है। तीसरा दोस्तों, विकास को नापा, तौला, मापा या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। विकास अनिश्चित और असीमित होता है, इसका कोई सीमा नहीं होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने पिछला वीडियो में बता दिया था। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों बाल मनोविज्ञान सीडी। देखिए सीडीपी बाल मनोविज्ञान एक विषय है और उसका पैडागोजी, उसे पढ़ाने की एक कला है। तो अब हम पी से पैडागोजी तो चर्चा करते ही रहेंगे हर वीडियो में, बाल मनोविज्ञान को देखते हैं दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का नया नाम ही बाल विकास है, यानी कह सकते हैं बाल विकास का पुराना नाम क्या है? तो बाल मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पूर्व धारणा यह बना हुआ था कि विकास सिर्फ शैक्षिक पक्ष से ही होता है, यानी सिर्फ पढ़ाई लिखाई से होता है। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बताया दोस्तों कि विकास का मतलब सिर्फ शैक्षिक पक्ष नहीं है बल्कि सहशैक्षिक पक्ष से भी होता है, यानी खेलने कूदने, गायन, भाषण, वाचन, मंचन, जैसा कि हमने बताया है। अब आज का वीडियो जो हम कंटेंट लेकर आए हैं आप सबके सामने, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किस काल तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है, किस आयु वर्ग के बच्चों का अध्ययन किया जाता है और किस कक्षा, किस क्लास, किस वर्ग तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका तीन जवाब है दोस्तों। उम्र पूछे तो 0 से 18 वर्ष, 0 से 18 वर्ष। काल पूछे तो किशोरा काल तक, शैशवा काल से किशोरा काल तक। और उम्र पूछे दोस्तों तो 18 वर्ष तक। तो तीन चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, 18 वर्ष तक, किशोरा काल तक, 8वां क्लास तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बालक का काल। देखिए इसमें दो तरह से प्रश्न आता है, कितना तरह से? दो तरह से। पहला है दोस्तों डायरेक्ट उम्र पूछता है कि शैशवा काल का उम्र क्या है, बाल्यकाल का उम्र क्या है, पूर्व बाल्यकाल का उम्र क्या है, उत्तर बाल्यकाल का उम्र क्या है। दूसरा पूछता है दोस्तों विशेषता। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोस्तों उम्र पर। तो सबसे पहले हम बालक के काल को तीन भाग में बांटते हैं जो हमको पढ़ना है किशोरा काल तक। पहला है शैशवा काल, 0 से 2 वर्ष। आप लिख भी सकते हैं दोस्तों, नोट्स का इंतज़ार मत कीजिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 0 से 2 साल शैशवा काल, बाल्यकाल 2 से 12 साल और किशोरा काल 12 से 18 साल। आप इसको स्लो मोड में उतार लीजिएगा कॉपी पर। तो शैशवा काल 0 से 2 वर्ष, बाल्यकाल 2 से 12 वर्ष और किशोरा काल 12 से 18 वर्ष दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, बाल्यकाल को ही आरंभिक बाल्यकाल भी कहा गया है, प्रारंभिक बाल्यकाल भी कहा गया है, आरंभिक बचपन भी कहा गया है। तो इसका अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? तो आरंभिक बाल्यकाल, प्रारंभिक बाल्यकाल और कभी कभी एग्जाम में शुरुआती बचपन भी दिया हुआ रहता है। तो तीनों एक ही चीज़ है। अब हम बाल्यकाल को दोस्तों दो भाग में बांटते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम पूरे बालक को तीन भाग में बांटे, शैशवा, बाल्या और किशोरा काल। अब हम बाल्यकाल को दो भाग में बांटते हैं, पूर्व बाल्या, उत्तर बाल्या। उत्तर मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले। तो 2 से 12 साल को आप यदि दो भाग में बांटते हैं तो पूर्व बाल्यकाल का हो जाएगा 2 से 6 और उत्तर बाल्यकाल का हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। कभी कभी दोस्तों इसको 3 भाग में भी बांटा गया है। तो देखिए, जब 3 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा? आप 2 से 12 को 3 भाग में बांट दीजिए, तब पूर्व बाल्यकाल 2 से 4 रख लीजिए या 5 रख लीजिए, और मध्य बाल्यकाल या जिसे हम मध्य बचपन की अवस्था भी कहते हैं 5 से 8 या 6 से 9 रख लीजिए, और फिर उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 रख लीजिए। तो यही है दोस्तों बाल्यकाल का दो बार, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, और दूसरा में पूर्व, मध्य और उत्तर बाल्यकाल। अब हम आते हैं दोस्तों इसकी विशेषता पर। ऐसे अभी जो हमने आपको उम्र वाला फैक्ट्स बताया, इसको याद रखने का एक सबसे आसान तरीका और देसी अंदाज है दोस्तों। देखिए, मैं ऐसा उदाहरण दूंगा जो आपके निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, कोई गूगल और फैक्ट्स का अंबार नहीं लगाने जा रहा हो, एकदम जो आपके निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि माँ जब अपने बच्चों को 24 घंटे निगरानी करे तो वह शैशवा काल कहलाता है। डैट मीन शैशव की भांति, शिशु की भांति एकदम अच्छा से रखे, अच्छा से गोद ले। देखते होंगे कि जब माँ छोटे से बच्चों को, शिशु को जब गोद लेते हैं तो उसका जो गर्दन होता है एकदम यहाँ होता है, थोड़ा सा भी लचक नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका धर्म में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो माँ सभी को गोद लेने नहीं देती है, कुछ गिने चुने लोगों को ही गोद लेने देती है, क्योंकि वह शैशवावस्था में होता है, बहुत नाजुक होता है दोस्तों। तो जब माँ 24 घंटे बच्चों का निगरानी करे तो शैशवा काल, और जब माँ 24 घंटे से धीरे धीरे कम निगरानी करना शुरू कर दे तो बाल्यकाल, और जब निगरानी करना बंद कर दे तो किशोरा काल। याद रहेगा दोस्तों, जब 24 घंटे निगरानी करे तो शैशवा काल, और निगरानी करना कम कर दे तो बाल्यकाल, अब बंद कर दे तो किशोरा काल। बस आप इसको बांट लीजिए। कभी कभी 0 से 3 साल भी रहता है शैशवा काल, तो आपको टेंशन नहीं लेना, स्टार्टिंग होना चाहिए। तो स्टार्टिंग शैशवा, बीच वाला बाल्या और लास्ट वाला किशोरा काल। अब बाकी युवा काल तो हमको पढ़ना ही नहीं है दोस्तों। अब हम इसकी विशेषता पर आते हैं। देखिए, विशेषता के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि 24 घंटे निगरानी करें, फिर मैं एक दूसरा चीज़ बता रहा हूँ विशेषता के लिए जो सब जगह काम करेगा दोस्तों, एकदम सिंपल है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगा, क्या दोस्तों बोलिए? ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगा त्यों त्यों विकास का दर घटेगा। विकास नहीं घटेगा, विकास का दर घटेगा। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास का दर घटते जाता है। जैसे स्टार्टिंग हुआ शैशवा काल से, तो बताइए शैशवा काल सबसे कम उम्र है तो विकास का दर सबसे ज़्यादा होगा, यानी सर्वाधिक विकास बच्चा का कब होता है? तो शैशवा काल में होता है। अब दोस्तों पूछेगा कि भाषा या गणित का शुरुआत या सर्वाधिक विकास किस काल में होता है? तो यहाँ पर दोस्तों शैशवा काल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से 2 वर्ष में बच्चों का शारीरिक विकास उतना नहीं हो पाता है कि बच्चा खुद से भाषा को समझ सके। भाषा मिस दोस्तों ए ऊ ए नहीं होता है, भाषा मिस लेखन वाचन है ना, पढ़ने की कला, ये सब आनी चाहिए। आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि भाषा सर वो तो बोल ही रहा है मम्मी पापा तम मम, वो भाषा नहीं है। तो वह शैशवा काल में अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सारा समय लगा देता है। तो भाषा और गणित का अवधारणा तो वहाँ उतना बनता नहीं है। तो दोस्तों भाषा और गणित का अवधारणा सर्वाधिक कब होगा? तो बाल्यकाल में। क्लियर दोस्तों? आरंभिक विकास, सॉरी, सर्वाधिक विकास किस काल में? शैशवा काल में।
और भाषा और गणित का सर्वाधिक विकास बाल्यकाल में। एक बात दोस्तों, यदि ऑप्शन में गर्भावस्था रहे तो विकास कब होगा, सर्वाधिक विकास कब होगा, तो दोस्तों शैशवा काल के जगह पर कौन आ जाएगा, गर्भावस्था आ जाएगा, क्योंकि सबसे शुरुआत तो वही है। तो गर्भावस्था में सर्वाधिक विकास होगा, यदि ऑप्शन में गर्भावस्था नहीं रहे तो शैशवा काल होगा, और भाषा और गणित का सर्वाधिक विकास दोस्तों कब होगा, तो बाल्यकाल में। अब हम लोग आते हैं दोस्तों किशोरा काल में। देखिए बच्चा बड़ा हो गया है, अब देखिए यहाँ पर दो बात होता है, एक तो जो है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला कंसेप्ट आता है, और दूसरा मार धार वाला आता है, एक और चीज़ अच्छा वाला पढ़ने वाला भी आता है, अमूर्त चिंतन। हम इसको तीन भाग में बांटते हैं किशोरा काल के विशेषता को। पहला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एकदम सिंपल शब्द में समझिए लवेरिया प्रेम जिसको कहते हैं, और दूसरा दोस्तों लड़ाई की भावना, अहम की भावना, आ जाओ तो आज जाओ, देखिएगा एकदम लड़ाई झगड़ा बहुत करेगा किशोरा काल में, बहुत ईगो होता है। और तीसरा जो पढ़ने लिखने वाला रहा बहुत चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन में चला जाता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, मनुष्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जिंदगी क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, दुख क्या है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, भगवान है कि नहीं है, सबसे ज़्यादा चर्चा किशोरा काल का बच्चा करता है, ये उसका नेचुरल गुण है दोस्तों। तो पहला भाग में दोस्तों आते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का भावना। देखिए आकर्षण होता है किशोरा काल के बच्चों को विपरीत लिंग के प्रति ज़्यादा, लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। उसके बाद दोस्तों घनिष्ठ मित्रता की चाहत किशोरा काल में ही बढ़ती है, आप इसको याद करने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, घनिष्ठ मित्रता। जोजेफ ने कहा है दोस्तों, जोजेफ मनोवैज्ञानिक हैं, कि किशोरा काल के बच्चे ऐसे दोस्त को बनाना चाहते हैं जो उसे खुलकर बात करे, खुलकर, खुलकर का मतलब क्या, आकर्षण वाला बात करे, सेक्स वाला बात करे, वो ऐसा दोस्त बनाना चाहता है जो मेल फीमेल विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण जो उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में बात करें। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि आप यदि बड़े क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, तभी वह अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में आपके साथ साझा करेगा, अन्यथा ऐसा दोस्त बनाना चाहेगा जो उसे खुलकर बात करें। और दोस्तों ये कोई बात हंसने की नहीं है, मजाक की नहीं है, यदि दोस्तों वह बच्चा किसी गलत सत्संग में पड़ जाता है तो क्या होगा, उसके साथ बुरा होगा। और यदि आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करते थे तो वह अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर करता और आप उसे अच्छा सजेशन देते, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो दोस्तों इसे हमें समझना होगा, सबसे पहले खुद समझना होगा कि किशोरा काल में ये होता है, और हम उसकी समस्याओं को सुने, समझें और सही मार्गदर्शन करें। एक अच्छे शिक्षक का यही लक्षण है, एक अच्छा शिक्षक का मतलब सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है बल्कि उसे जिंदगी के मुख्य धारा से उसे जोड़ना भी है, जो भटकाव है उससे उसको बचाना भी है। तो दोस्तों इसी में आगे जाकर जो है यौन रोग, यौन रोग भी सबसे ज़्यादा किसे है तो दोस्तों किस काल में, किशोरा काल में। तो आप याद रखिए आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति एक, घनिष्ठ मित्रता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दो, और तीसरा यौन रोग से संबंधित समस्या किशोरा काल के बच्चों में होती है। ऑप्शन में आपको दोस्तों युवा काल लिखा हुआ रहेगा और सबसे लास्ट में किशोरा काल रहेगा, तो आप देखिएगा यौन रोग मार दीजिएगा युवा, गलत किशोरा काल। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे थे ईगो, अहम की भावना, अहम की भावना होती है, हम हैं तो हम हैं और दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों अहम की भावना होती है, ईगो अहम केंद्रित बात करता है। उसके बाद दोस्तों घनिष्ठ मित्रता हो गया है ना, अब अच्छा बात में आइए आत्म केंद्रित बात करेगा, इसमें क्या होता है दोस्तों अमूर्त चिंतन करता है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा चिंतन क्या है। देखिए चिंतन दो तरह का है मुख्य रूप से, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन।
मूर्त जो मूरत की जैसा दिखे, मूरत जैसे ये दिख रहा है कि मोबाइल है, इसका कोई इसका मूरत है, ये एक पदार्थ की तरह है, दिखता है, जो मूरत की तरह हो मूर्त चिंतन, और जो नहीं दिखे, जो मूरत नहीं हो वो अमूर्त चिंतन। तो दोस्तों ये क्या है, ये कैसा प्रश्न है, तो ये एक मोबाइल है। उत्तर आया मोबाइल दिख रहा है तो मूर्त चिंतन है दोस्तों। अब पूछेगा कैसा मोबाइल है, अच्छा मोबाइल है कि खराब मोबाइल है। तो यदि आप खराब मोबाइल कहते हैं और अच्छा मोबाइल कहते हैं तो ये कैसा चिंतन है, अमूर्त चिंतन है। क्योंकि मोबाइल तो आपको दिखा लेकिन इसमें अच्छा कहीं है खराब कहीं है, अच्छा और खराब का कोई रंग है, जैसे मोबाइल का रंग है काला है, आकृति है, अच्छा और खराब का क्या आकृति है, कोई आकृति नहीं है। तो मैं कौन हूँ, है ना, मैं क्या हूँ, तो मैं एक आदमी हूँ। अब मैं कौन हूँ तो बहुत बड़ा बात है, मैं क्या हूँ, मनुष्य हूँ, मनुष्य क्या है, भगवान है कि नहीं, सृष्टि क्या है, ये सब कैसा चिंतन आ जाता है दोस्तों, अमूर्त चिंतन। तो इसका चर्चा हम आगे भाषा और चिंतन वाला चैप्टर में विशेष रूप से करेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं किशोरा काल का विशेषता क्या हो गया दोस्तों, मूर्त चिंतन नहीं बल्कि अमूर्त चिंतन। तो तीन चीज़ किशोरा काल में हमने देखा, आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति, घनिष्ठ मित्रता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यौन रोग, उसके बाद हमने देखा दोस्तों अहम की भावना आत्म केंद्रित बात। उसके बाद मैंने देखा दोस्तों मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ जैसे अमूर्त चिंतन, ये सब किशोरा काल में आता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा बालक का काल का विशेषता। एक चीज़ और दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि उत्तर बाल्यकाल का कुछ विशेषता बताइए। देखिए दोस्तों किशोरा काल में हमने देखा घनिष्ठ मित्रता, और उत्तर बाल्यकाल में देखिए दोस्त बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो उत्तर बाल्यकाल में होती है। नए नए जगह घूमने की प्रवृत्ति किस काल में पाई जाती है, उत्तर बाल्यकाल में पाई जाती है। तो उत्तर बाल्यकाल का ये दो बात याद रखिएगा, दोस्त बनाने की प्रवृत्ति, नए दोस्त बनाने की प्रवृत्ति और नए जगह घूमने की प्रवृत्ति, वही किशोरा काल में घनिष्ठ मित्रता वाला बात आ जाता है। तो दोस्तों बाल्यकाल का विशेषता तो वही है, भाषा है, गणित है, आरंभिक विकास, सर्वाधिक विकास, भाषा सीखने का सर्वाधिक नाजुक काल, संवेदनशील समय, महत्वपूर्ण समय, सब बाल्यकाल में आ जाता है दोस्तों। गणित का जटिल संरचना, किसी चीज़ का डिसीजन लेने की क्षमता, जो हम आगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में पढ़ेंगे, ये सब बाल्यकाल में आता है दोस्तों। तो आज दोस्तों हमने बाल मनोविज्ञान देखा और उससे आगे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसको देखा, और फिर बालक का काल पर चर्चा किया। तो दोस्तों अभी तक हमने तीन दिन के क्लास में यही पढ़ाया है दोस्तों, और जो पढ़ाया है वही हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास लेंगे। हाँ दोस्तों एक और चीज़ हमने पढ़ाया, हम प्रतिदिन के क्लास में 10 मिनट जो है फैक्ट्स, जो बार बार हम भूला जाते हैं उसको हम शुरुआत से ही याद दिलाते हैं, याद करने देते हैं, वो भी मैं आपके सामने एक बार बोल देता हूँ। जैसे हमने तीन चीज़ याद करवाया था दोस्तों, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, तो आप भी मेरे पीछे बोलिएगा। देखिए बोलिएगा तो हेजिटेशन ख़त्म होगा, नहीं तो स्टूडेंट जैसा रटना पड़ेगा, पियाजे संज्ञानात्मक कोहलबर्ग नैतिक वाइगोत्स्की के सामाजिक, बाद में जब एग्जाम में आएगा तो पियाजे में कन्फ्यूज कर जाइएगा, संज्ञानात्मक कि सामाजिक, इसलिए दोस्तों डायरेक्ट पीछे पीछे बोलिए। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास, और वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास। तो याद रखिए पियाजे संज्ञानात्मक, कोहलबर्ग नैतिक, वाइगोत्स्की सामाजिक, ये तीन चीज़ याद रखना है दोस्तों। चौथा LAD, अब जरा कुछ का फुल फॉर्म हम देखते हैं, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, किसका है, चौमस्की मनोवैज्ञानिक है। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है भाषा अर्जन यंत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो चौमस्की के द्वारा। तो LAD भाषा अर्जन यंत्र चौमस्की, SCL सोशल कल्चर लैंग्वेज, सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक,
ये सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। उसने बताया कि अधिगम जो है सांस्कृतिक औजार के रूप में भी होता है, सामाजिक रूप में भी होता है और भाषिक रूप में भी होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो SCL सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक किसका, तो वाइगोत्स्की। अब हम देखते हैं दोस्तों CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। देखिए दोस्तों इस पर थोड़ा और चर्चा कर देते हैं। सतत, सतत का मतलब है दोस्तों निरंतर, व्यापक का मतलब व्यापक वाला एकदम हमेशा आता है एग्जाम में, व्यापक और सतत का मूल्यांकन पूछेगा। CCE में पहला सी का अर्थ सतत है जिसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आता है। पूछेगा CCE में दूसरा सी का मतलब व्यापक है जिसका अर्थ क्या है, CCE में ई का मतलब मूल्यांकन है जिसका मतलब क्या है। व्यापक वाला तो हमेशा आता है दोस्तों, और व्यापक हमने आपको भी बता भी दिया है। सतत मतलब निरंतर लगातार, और दूसरा सी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक, व्यापक का मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष दोनों से है, जिसका चर्चा हमने सर्वांगीण विकास में किया था। इस एवेल्युएशन मापक, माप मूल्यांकन, यानी सटीक माप नहीं हो, एक्यूरेट नहीं हो, बल्कि सुधारात्मक हो। SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। CCE पहले आ रहा था, अब उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति के तहत SBA लाया गया, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे, अभी फुल फॉर्म याद करना है। तो CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, और SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन। अब दोस्तों एक और है LAD हो गया है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी शिक्षण पठन पाठन के दौरान जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मदद लेते हैं जिस सामग्री से, उसे ही हम TLM कहते हैं, इसका भी चर्चा आगे करेंगे। एक और है MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर, जिसे हर शिक्षक को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये फुल फॉर्म आपको अगला दिन याद कर लेना है, शुरू में हम आकर पूछेंगे दोस्तों, है ना, आपको बताना होगा, और जब आप बताएंगे तब हमें महसूस हो जाएगा कि आप बता रहे हैं। तो प्याजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की, ये याद रख लेना है, संज्ञानात्मक सामाजिक और नैतिक विकास। तीसरा, दूसरा है फुल फॉर्म याद कर लेना है दोस्तों। तो आज इतना ही, मेरा क्लास में पढ़ाने का यही तरीका है कि मैं जो भी कक्षा में पढ़ाता हूँ उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देता हूँ, और उसी से 10 क्वेश्चन आपको बनाना होता है क्लास का शुरुआत 10 मिनट में। यानी जो भी आप बोर्ड पर कल लिखे या पढ़े हमसे, उसी से 10 क्वेश्चन हम अपने हाथ से लिख के देता हूँ, और उसको आपको 10 मिनट में बनाना होता है। ये स्वमूल्यांकन है, सेल्फ असेसमेंट। इससे आपको पता चलेगा कि आप कल क्या पढ़े, और उस पर हम कोई कमेंट नहीं करते हैं कि आप कितना बनाए, हाँ बनाए, नहीं बनाए, सही है, गलत है, कुछ नहीं। बस आपको अपने आप को देखना है कि 10 मिनट में हम क्या लिखें, 10 प्रश्न में हम कितना प्रश्न बनाएं। जब आपको अपने आप में मूल्यांकन करने का तरीका मालूम हो जाएगा दोस्तों, तो आप खुद ब खुद पढ़ेंगे, और जब आप एक बार दिल से पढ़ लिए तो दोस्तों दिमाग तक चला जाएगा, और दिल और दिमाग का जो बात होता है ना दोस्तों, वो आत्मा में बस जाता है, जिसे भगवान भी रिजेक्ट नहीं करते हैं, और उसे सेलेक्ट होना ही पड़ता है, फिर सीटेट कौन सा बात है। उसके बाद दोस्तों मैं जो भी पढ़ाता हूँ व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ, फिर अगला दिन उसका एग्जाम होता है, और लास्ट में मैं फैक्ट्स बताता हूँ। एक तो जो कंटेंट है वो चलते रहता है, जैसे बालक क्या है, पेडागोजी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिर हमारे विकास क्या है, फिर बाल मनोविज्ञान, फिर बाल विकास क्या है, फिर इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, फिर हमने देखा कि बालक का काल क्या है, बालक के काल का उम्र क्या है, फिर विशेषता क्या है, ये कंटेंट चलते रहेगा, और लास्ट में दोस्तों वही हम देखते हैं फैक्ट्स जो याद करना होता है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। और आप सबके लाइक सब्सक्राइब कमेंट से ही मैं खुश हो जाता हूँ, और फिर अगला मैं वीडियो लेकर बहुत जल्द ही आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।